देखिए, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। जैसे नाम से ही ये हमें जानकारी होती है, जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं इसका अर्थ है कि विभिन्न राष्ट्र राज्यों में जो संबंध हैं, चाहे वो कूटनीति स्तर के हैं, चाहे वो कहना चाहिए सांस्कृतिक हैं, चाहे वो आपके आर्थिक हैं, जो भी, अच्छा इसमें जो जटिलताएँ हैं, इन संबंधों में जो कहना चाहिए जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये उसका भी अध्ययन है। और इसके साथ साथ जैसे जो गैर राजनीतिक संगठन हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे कहना चाहिए जो क्षेत्रीय संगठन हैं, ये इसका भी अध्ययन इसमें होता है। इसका आरंभ जो है कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन जब हम देखें, इसके जो विभिन्न कहना चाहिए इसके जो चरण हैं, तो इसका आरंभ 1919 से या 20वीं शताब्दी से हम कह सकते हैं, वेल्स यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इसका अध्ययन चालू हुआ था कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसको समझा जाए, उसमें प्रमुख किन बातों को उसमें पढ़ा जाए, उनका अध्ययन किया जाए। और जो सबसे ज़्यादा देखिए जो जोर था वो था डिप्लोमेसी में, या युद्ध, युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ती है, युद्ध के दुष्परिणाम क्या होंगे, या उनको किस तरह से डिप्लोमेसी या कूटनीति या राजनयिकों के माध्यम से उन समस्याओं का कैसे समाधान होगा। तो ये सारे प्रश्न जो थे आरंभ में, जिसका पहला जो उसका चरण था, तो इस पर इनका जितने भी विचारक थे उनका ध्यान इस पर गया। धीरे धीरे जब ये समय आगे निकला तो जो दो विश्व युद्ध का जो अंतराल है, लगभग मीन्स 1418 से लेके अपना जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब होता है 45 तक, तो ये पूरा अंतराल देखिए इसमें दो दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी प्रचलित हुए, काफ़ी उभर कर आए, और आपस में ये पूरी तरह एक दूसरे से अलग थे। एक था यथार्थवादी दृष्टिकोण और दूसरा था आदर्शवादी दृष्टिकोण। देखिए यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, हंस मॉर्गेंथो, अगर आपने ये नाम सुना होगा, और उनकी बहुत ही एक चर्चित पुस्तक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। मॉर्गेंथो साहब बोलते हैं कि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना है तो इसका प्रमुख बिंदु है वो है शक्ति। ये एक शक्ति या कहना चाहिए वर्चस्व की लड़ाई है। आपस में जो भी राष्ट्रों के मध्य जो संबंध होते हैं, जो बनते हैं, जो बिगड़ते हैं, इसके पीछे है वर्चस्व। एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र को जो है किसी भी माध्यम से वो अपने आप को शक्तिशाली, उसके सम्मुख अपने आप को मजबूत बनाने का निरंतर ये प्रयास करता है। और यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट पर एम्फेसिस है कि निरंतर एक संघर्षों की ये कहना चाहिए परिणाम है राष्ट्रों के मध्य जो है। अच्छा, इसमें जो कहीं ना कहीं इसका जो कोर है उसमें एक आर्थिक कहना चाहिए उनके जो जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो कंट्री के हैं वो उसको ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। इसके साथ साथ जैसे सीमाओं को अपनी बढ़ाना या दूसरे पर एक अनायास आक्रमण कर देना, क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति से ही ऐसा है, उसके भीतर एक तरह से दूसरे को अपने आप को दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली दिखाना, मजबूत दिखाना, चूंकि ये मनुष्य की एक मानसिक जन्मजात प्रवृत्ति है, चाहे उसको आप हिंसा भी कह सकते हैं, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो एक शक्ति का विज्ञान है। इसमें हर राष्ट्र जो है अपने आप को दूसरे से मजबूत दिखाने का प्रयत्न करता है। तो एक ये नज़रिया जिसको कि एक ही यथार्थवादी दृष्टिकोण कहते हैं। इसी के पैरेलल देखिए एक बहुत ही कहना चाहिए दूसरा नज़रिया, जिसको एक आइडियलिस्टिक कहना चाहिए, एक आदर्शवादी हम अप्रोच कह सकते हैं, जिसमें एक चलन या एक मान्यता ऐसी थी कि मूल रूप से मनुष्य जो है वो शांति प्रिय है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को, वो किसी भी तरह के कहना चाहिए डिफरेंसेस को अवॉइड करता है, और समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट होता है या युद्ध को वो जन्म देते हैं, मगर मूल रूप से मनुष्य जो है वो शांति प्रिय कहना चाहिए व्यक्ति है, और समाज भी एक शांति शांतिपूर्ण समाज की वो कामना करता है। तो ये जो आदर्शवादी दृष्टिकोण था, इसी ने आगे चलकर देखिए, चाहे वो इसका राष्ट्रसंघ की स्थापना है जो हुई 1919 के बाद, अगर आप देखें, और जो एक जो ये समय था 1919 से 29, तो लगा कि चलो राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद जो है राष्ट्रों के मध्य जो संघर्ष है ये आगे ऐसा युद्ध नहीं होगा, मगर उसके बाद जैसी परिस्थितियां बनी दोबारा 29 से 39, जिस तरह से चाहे वो जर्मनी था, चाहे वो इटली था, इन्होंने किस तरह से राष्ट्र संघ की सदस्यता उन्होंने से अलग हुए, और आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर
जो है उसका उसका ये परिणाम जो हुआ, जिस तरह से ये जो ताकतें आपस में, ये देश आपस में निरंतर संघर्ष कर रहे थे, तो ये था जो आदर्शवादी दृष्टिकोण की ये जो विफलता थी, इसने आगे चलकर एक नया, जिसे बोलते हैं सिद्धांतिकरण, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये कहना चाहिए चौथा चरण जो था, जिसका जिसमें ज़्यादा ज़रूरत थी कि जितने भी जो हमारे प्रश्न थे जिनके उत्तर हमें मिले नहीं, जैसे युद्ध भी हुआ, हिंसा भी ऐसी होती गई, तो आगे हमें एक ऐसा विश्व चाहिए जिसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है, अगर किसी भी प्रकार के दो राष्ट्रों में या दो से ज़्यादा राष्ट्रों के मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद है, चाहे वो आर्थिक है या सीमाओं को लेकर है, या बढ़ता हुआ ये जो एक दूसरे कहना चाहिए ये जो हथियारों के प्रति जो एक आग्रह है, जो लड़ाई हो रही है जो वेपन्स को, और जो एक कोल्ड वॉर जो दो महाशक्तियों के बीच हो गया था उस समय, तो क्यों ना कुछ ऐसे हमें सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए कि आगे जो भविष्य में हमें विश्व युद्ध का, ये एक बड़े ऐसे युद्ध का सामना ना करना पड़े। और इस तरह से देखिए जो इसका जो ये फोर्थ फेज हम कह सकते हैं, जिसमें सिद्धांतों का, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर, जिसको एक सिद्धांत हुआ, एक यथार्थवादी सिद्धांत की कल्पना की गई, एक तरह से क्रीड़ा सिद्धांत, ये कई सारे ऐसे सिद्धांतों की को माना गया, मान्यता प्राप्त हुई कि आगे भविष्य में अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक दूसरे के मध्य एक मजबूत विश्व चाहिए, एक ऐसा विश्व जिसमें डिफरेंसेस ठीक हैं राज्यों के देशों के मध्य होते हैं, मगर क्यों ना शांतिपूर्ण तरीके से मिल बैठ कर, या जस्टिस जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, या उसके बाद आप जानते हैं ये यूएनओ की जो स्थापना हुई, तो इन सभी संगठनों के पीछे जो उद्देश्य रहा है वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक बहुत ही एक सिद्धांतवादी कहना चाहिए नज़रिए से देखा जाए, और भविष्य में जो होने वाली जो हिंसा है या युद्ध है उन्हें इनके माध्यम से रोका जाए।